और एक वो प्रॉपर्टी जो कि अटैच नहीं हो सकती, जो पहला पैराग्राफ है यानी सब सेक्शन वन जो है उसमें ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई है जो कि अटैच हो सकती है। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो अटैच हो सकती है? लैंड्स, जरिए जमीन, प्लॉट, कोई भी ऐसी जो है वो जमीन पड़ी हुई है वो भी अटैच हो सकती है। हाउसेस और अदर बिल्डिंग्स, घर हैं, इसके अलावा और बिल्डिंग्स चाहे वो किसी भी पर्पस के लिए आपने लेकिन आपकी ओनरशिप में है वो भी अटैचमेंट हो सकती है। उनकी गुड्स, अशिया, बहुत सारी अशिया अटैच हो सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती, कुछ हो भी सकती हैं। अशिया में मूवेबल प्रॉपर्टी भी आपकी आ जाती है, घर की मशीनरी वगैरह जो के घर के स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, ऐसी अशिया जो है वो इस्तेमाल हो सकती हैं अटैच। उसके बाद मनी, रकम, बैंक नोट्स, चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, हंडीज, प्रॉमिसरी नोट्स, ये सारे बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, हंडीज हो गई और प्रॉमिसरी नोट्स, ये वो हैं जो के वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। लिहाजा वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे किसी भी चीज से रिलेटेड कोई राइट क्रिएट हो सकता है तो वो भी अटैचेबल है। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज फॉर मनी, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको हम रकम के मनी के इक्वल हम उसे वैल्यू देते हैं। डेप्थ, कोई कर्जा है, आपने किसी से कर्जा लेना है तो वो आपका अटैच हो जाएगा कि जो कर्जा आपको दिया जाना है वो फिर कोर्ट उसको अटैच कर लेती है। शेयर्स हैं इन अ कॉर्पोरेशन, किसी फर्म, कंपनी, कॉर्पोरेशन में आपका कोई शेयर है वो अटैच हो सकता है। एंड सेव एज हियर इन आफ्टर मेंशनड, ऑल अदर सेल एबल प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल बिलोंगिंग टू द जजमेंट डेटर और ओवर विच और द प्रॉफिट्स ऑफ विच ही हैज अ डिस्पोजिंग पावर विच ही मे एक्सरसाइज फॉर हिज ओन बेनिफिट। कोई भी ऐसी सेलेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल या इमूवेबल, कोई भी ऐसी जो कि जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी है और कोई ऐसा शेयर या ऐसा इंटरेस्ट उसका जिससे उसका कोई राइट जो है वो क्रिएट होता है तो वो सारी चीजें उसकी जो है वो अटैच हो सकती हैं। अब बात आती है एक्सेप्शंस की, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो अटैच नहीं की जा सकती, तो सेक्शन 60 के अंदर ही मौजूद है। सबसे पहले ए जो है, ए में बात की जा रही है नेसेसरी वेयरिंग अपैरल, यानी के जो कपड़े वगैरह हैं वो अटैच नहीं होंगे। कुकिंग वेजल्स, खाने के बर्तन, बेड्स, बेडिंग, बिस्तर, चादरें वगैरह, बेड वगैरह जजमेंट डेटर की या उसके बच्चों की या बीवी की। और इसके अलावा पर्सनल ऑर्नामेंट्स, वो जेवरात जो के इबादत के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस तरह ये हिंदुओं में है, मुसलमानों में तो खैर जेवर का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है लेकिन हिंदुओं में है कि जेवरात पहन के औरतें जो हैं वो चढ़ावे वगैरह चढ़ाती हैं वो। और इसके अलावा कैन नॉट बी पार्टेड विद बाय एनी वुमन, जो कि किसी औरत से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे मंगनी की अंगूठी हो गई या फिर हिंदू औरतों में जो मंगलसूत्र होता है वो उनसे अलग नहीं किया जा सकता। उसके बाद है जी टूल्स ऑफ आर्टिसन, क्लास बी की तरफ जाते हैं तो टूल्स ऑफ आर्टिसन, कोई किसी भी तरह का कोई भी ऐसा शख्स जैसे पेंटिंग करता है या फिर लकड़ी का कारोबार करता है तो जितने उसके औजार होते हैं उसके पेशे से मुतलिक वो अटैच नहीं होंगे। वेदर जजमेंट डेटर इज एन एग्रीकल्चर, अगर वो काश्तकार है, हिज इम्प्लीमेंट्स ऑफ हस्बेंड्री, तो उसकी काश्तकारी के जितने भी औजार हैं, उसका ट्रैक्टर हो गया, उसके बैल वगैरह हो गए, जानवर वगैरह, अगर वो जानवरों के जरिए या बैलों के जरिए खेती बाड़ी करता है तो वो। इसके अलावा सीड क्रेन, ऐसा गंदम या कोई भी फसल जिसे महज दाने की बुवाई के लिए रखा गया है वो अटैच नहीं होगा। इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट बी नेसेसरी टू इनेबल हिम टू अर्न हिज लिवलीहुड, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि जरूरी है जिसके जरिए उसने अपना रिस्क कमाना है या फिर अपनी आमदनी का जो भी चीज वो जरिया है, अगर कोर्ट को लगता है कि ये अटैच हुई तो ये बंदा जो है अपने बीवी बच्चों के लिए कमा नहीं सकेगा, तो ऐसी कोई भी चीज अटैच नहीं होगी। उसके बाद एंड सच पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और ऑफ एनी क्लास ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैज मे हैव बीन डिक्लेयर्ड टू बी फ्री फ्रॉम लायबिलिटी, या फिर काश्तकारी का
कार्ड्स का वो हिस्सा जो के लायबल नहीं है, लायबल टू अटैचमेंट नहीं है. जैसे अगर किसी ने बाकी की गंदम पहले से सेल कर दी हुई थी और सिर्फ रखी हुई है अपने घर अपने बीवी बच्चों के खाने के लिए, जो खुराक के लिए अनाज इस्तेमाल किया गया रखा गया होगा वो भी अटैच नहीं होगा. उसके बाद क्लास सी पे आएंगे, हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स विद द मटेरियल्स एंड साइट्स थेरऑफ एंड द लैंड इमीडिएटली अपर्टेनेंट देयर टू एंड नेसेसरी फॉर देयर एंजॉयमेंट बिलोंगिंग टू एनी एग्रीकल्चरलिस्ट एंड ऑक्युपाइड बाय हिम. कोई भी घर, कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो के उसकी रहायश वगैरह के लिए इस्तेमाल हो रही है वो भी उसके अटैच नहीं की जाएगी. उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स, खाता जात का जितना भी उसका रिकॉर्ड होगा वो भी अटैच नहीं किया जाएगा. अ मेयर राइट टू सू फॉर डैमेजेस, अगर डैमेजेस क्लेम करने हैं उसने किसी शख्स के खिलाफ तो दावा दायर करने का जो राइट है वो भी अटैच नहीं किया जाएगा. एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विस, इसके अलावा पर्सनल सर्विस से मुराद कोई भी उसका जो राइट है वो अटैच नहीं किया जा सकेगा. मसलन अगर वो किसी घर में मुलाजमत करता है तो उसको जबरदस्ती किसी दूसरी जगह पर मुलाजमत करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा. सी हाउसेस एंड अदर बिल्डिंग्स विद द मटेरियल्स एंड साइट्स देयर ऑफ एंड द लैंड इमीडिएटली अपर्टेनेंट देयर टू. अब यहाँ पे बात आ गई हाउस और अदर बिल्डिंग्स, कोई भी ऐसे घर या फिर जो बिल्डिंग्स विद द मटेरियल्स एंड साइट्स, यानी के जो कुछ उनके ऊपर बना है वो, या फिर जो कुछ वहां पे मौजूद होगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर, वो कुछ भी अटैच नहीं किया जा सकेगा. इमीडिएटली अपर्टेनेंट देयर टू एंड नेसेसरी फॉर देयर एंजॉयमेंट बिलोंगिंग टू एन एग्रीकल्चरलिस्ट एंड ऑक्युपाइड बाय हिम. कोई भी ऐसी जगह जिसको वो अपने काश्तकारी का जो भी सामान वगैरह उसने रखना होता है वो रखने के लिए, जो भी जगह उसने डेरा शेरा बनाया होगा उसके ऊपर जो भी चार दीवारी है या फिर छोटी सी छत है वो भी अटैच नहीं की जा सकेगी. जी क्लियर हो गया. उसके बाद ये बार दफा होता है ना कि खेती बाड़ी घर दूर है थोड़ा सा, तो जमीन जहाँ पे काश्त की जा रही है उसके पास ही कोई छोटा सा कमरा बना दिया जाता है जहाँ पे जो काश्तकारी का सामान है वो वक्ती तौर पे रख दिया जाता है, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई दाना वगैरह इस्तेमाल करने के लिए खाद वगैरह जहाँ पे महफूज कर ली जाती है, तो ऐसी जगह की बात हो रही है कि वो भी अटैच नहीं की जाएगी उसकी. उसके बाद क्लास जी पे आते हैं, स्टिपेंड्स एंड ग्रेजुटीज अलाउड टू पेंशनर्स ऑफ द गवर्नमेंट और पेएबल आउट ऑफ एनी सर्विस फैमिली पेंशन फंड नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट बाय द फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ एंड पॉलिटिकल पेंशंस. अच्छा अब यहाँ पे बात हो रही है स्टिपेंड्स का मतलब होता है वो जो वजीफे वगैरह मुकर्रर किए जाते हैं गरीबों के, बेवाओं के, या फिर इस तरह से जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई वजायफ मुकर्रर किए गए हैं, जिस तरह ये अभी चल रहे थे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट, इस तरह के जो वजीफे हैं ये भी अटैच नहीं किए जा सकेंगे. एंड ग्रेजुटीज अलाउड टू पेंशनर्स, ये ऐसी ग्रेजुटीज होती हैं जो कि इनाम के तौर पर तनख्वाह से अलग, कोई सरकारी मुलाजम है उसने कोई बहुत अच्छा कोई क्या कहते होते हैं हुस्ने खिदमत जिसको हम कहते हैं, हुस्ने खिदमत के नतीजे में कोई इनाम अगर उसको दिया गया है तो वो भी उसका अटैच नहीं किया जाएगा. इसके अलावा मतलब कि कोई भी वजायफ या इनाम के तौर पे कोई भी रकम सैलरी के अलावा जो पेंशनर्स को दी जा रही होगी गवर्नमेंट की तरफ से वो भी अटैच नहीं की जा सकेगी उनकी पेंशन की रकम में या पेंशन की सूरत में जो रकम दी जा रही है. द वेजेस ऑफ लेबरर्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स वेदर पेएबल इन मनी और इन काइंड, इसके अलावा जो मजदूर हैं मजदूरों का जो मुआवजा होगा वो भी अटैच नहीं किया जाएगा. और डोमेस्टिक सर्वेंट्स ये जो घरों में काम करने वाले लोग हैं उनकी तनख्वाह चाहे वो रकम की सूरत में आए या फिर वो किसी और राशन वगैरह की सूरत में आए वो भी अटैच नहीं की जाएगी. सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ द फर्स्ट 100 rupees एंड 1/2 द रिमाइंडर, जहां तक सैलरी की बात की जाए तो सैलरी में से अगर किसी की तनख्वाह है तो उसमें से 100 rupees निकाला जाएगा, 100 अलग निकाल के बाकी की जो तनख्वाह होगी उसका 50% जो है वो अटैच किया जाएगा और बाकी का 50% उसे
वापस लिया जाएगा. उसके बाद आगे प्रोविजन है प्रोवाइडेड दैट वेयर सच सैलरी इज द सैलरी ऑफ अ सर्वेंट ऑफ द स्टेट और अ सर्वेंट ऑफ अ रेलवे, गवर्नमेंट मुलाजम हो या फिर रेलवे का, और अ लोकल अथॉरिटी या फिर कोई भी मकामी इदारे का मुलाजम होगा, एंड द होल और एनी पार्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ सच सैलरी लेबल टू अटैचमेंट हैज बीन अंडर अटैचमेंट वेदर कंटिन्यूसली और इंटरमिटेंटली फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 24 मंथ्स. अब यहाँ तक जो इसका मतलब बनता है वो ये है कि कोई भी सरकारी मुलाजम, कोई मकामी इदारे का मुलाजम या रेलवे का मुलाजम, अगर उसकी तनख्वाह जी, अभी इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आई, अमेंडमेंट बिल्कुल नहीं आई, आज भी यही चलेगा 100 रुपया और बाकी की जो तनख्वाह है उसका 50%. 100 अलग निकाल दिया जाएगा और जो बाकी तनख्वाह बचेगी उसका 50% अटैच किया जाएगा और 50% जो है उसके लिए वो बंदा हकदार है. अच्छा, प्रोविजन हम पढ़े थे 24 मंथ्स. यहाँ तक इसका मतलब ये बनता है कि अगर किसी, ये तीन जो यहाँ पे इदारे लिख दिए गए हैं, लोकल अथॉरिटी का किसी लोकल अथॉरिटी यानी के जो मकामी इदारे होते हैं उसमें मुलाजम हो, रेलवे का है या फिर वो गवर्नमेंट का मुलाजम है, और उसकी जो पे है वो अटैच हो चुकी है, यानी पहले से उसकी पे अटैच हो चुकी थी, चाहे तो सारी या फिर उसका कोई एक हिस्सा. होल और एनी पार्ट से मुराद जो है, पार्ट से मुराद यहाँ पे अगर हम होल की बात करें तो होल वही होगा जो सैलरी का हमने पीछे पढ़ा है, उसका 50%, 100 निकाल के बाकी जो होगा वो 50% होगा, अगर वो अटैच की गई है या फिर उसका कोई और मखसूस हिस्सा उस तनख्वाह का अटैच कर लिया गया हो और वो अटैचमेंट जो है कंटिन्यूसली रही हो या फिर इंटरमिटेंटली यानी के वक्फे वक्फे से कम अज कम 24 महीने तक, 24 महीने लगातार या फिर 24 महीनों में एक एक दो दो महीने का गैप छोड़ के जो भी सैलरी, जो भी पे अटैच की गई थी, वो कहता है कि उसी अटैचमेंट, उसी सैलरी को अगर किसी और केस में उसे अटैच करना हो तो कम अज कम 12 महीनों तक वेट किया जाएगा. 12 महीनों तक वो सैलरी जो पहले से अटैच की गई है और उसको अरसा 24 माह का गुजर चुका है, वो सैलरी दोबारा अटैच नहीं की जा सकेगी. 12 माह गुजरेंगे तो फिर दोबारा उस बंदे की सैलरी अटैच हो सकेगी, वरना नहीं. जी, इस प्रोविजन की आगे समझ, किसी बंदे की पे अटैच की गई थी कंटिन्यूसली या फिर वक्फे वक्फे से और उसे 24 महीने का अरसा गुजर चुका है, अब किसी और केस में फिर उसकी जो पे है वो अटैच करनी है तो फिर कम से कम 12 माह तक का वेट किया जाएगा. जब 12 माह गुजर जाएंगे तो फिर उसकी दोबारा उसी हिस्से तक या फिर उसके नए सिरे से उसको डिटरमिन कर लिया जाएगा, फिर उसकी सैलरी को अटैच किया जा सकेगा. सेम डिग्री में है तो फिर अटैचमेंट नहीं होगी. सेम डिग्री है तो फिर अटैचमेंट नहीं होगी, लेकिन किसी और डिग्री के लिए अटैच करना है तो फिर 12 माह का टाइम जो है वो उसके लिए वेट किया जाएगा. 24 महीने की बात करता है कि अगर वो सरकारी मुलाजम था या रेलवे का मुलाजम था या मकामी किसी भी इदारे में मुलाजम था और उसके खिलाफ कोई डिग्री हुई
तो उस डिग्री की अटैचमेंट के लिए उसकी तनख्वाह अटैच की गई थी। अब उसकी तनख्वाह अगर अटैच किए हुए 24 महीने गुजर चुके हैं तो फिर 24 महीने उसकी तनख्वाह को अटैच किए हुए गुजर चुके हैं, चाहे तो कंटिन्यूसली 24 महीने उसकी अटैच की गई या फिर इंटरमिटेंटली वक्फे वक्फे से, यानी 2 माह की तनख्वाह अटैच की गई, 2 माह छोड़ दी गई, फिर 2 माह अटैच की गई, 2 माह छोड़ दी गई। अगर तो इंटरमिटेंटली उसकी अटैचमेंट हुई है तब भी, और अगर कंटिन्यूसली उसकी 24 महीनों तक तनख्वाह अटैच रही है और उसी बंदे के खिलाफ एक और सूट फाइल हुआ उसमें भी टिकरी हो गई, उसमें भी अब अटैचमेंट करनी है, तो फिर 12 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। 12 महीने तक उसकी दोबारा से तनख्वाह अटैच नहीं की जा सकी क्योंकि पहले ही वो बेचारा 24 महीने अपनी पे कटवाता रहा है। जी क्लियर हो गया? अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं क्लास जे पे, द पे एंड अलाउंसेस ऑफ पर्संस टू होम पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और ऑफ पर्संस अदर देन कमीशन ऑफिसर्स टू होम द पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 अप्लाइज। फौज की तरफ से जो भी अलाउंसेस वगैरह या बोनस वगैरह मिलते हैं सिपाहियों को वो भी अटैच नहीं किए जाएंगे। फिर है द कंपल्सरी डिपॉजिट्स एंड अदर सम्स इन और डिराइव्ड फ्रॉम एनी फंड टू विच द प्रोविंशियल टू विच द प्रोविडेंट फंड्स एक्ट 1925 फॉर द टाइम बीइंग अप्लाइज इन सो फार एज दे आर डिक्लेयर्ड बाय द सेड एक्ट नॉट टू बी लायबल टू अटैचमेंट। कंपल्सरी डिपॉजिट से मुराद जो हम लोग टैक्स वगैरह पे करते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ये जितने भी टैक्सेस हैं ये कंपल्सरी डिपॉजिट्स कहलाते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे प्रोविडेंट फंड्स की बात की गई है, ये जो पेंशन वगैरह मिलती है रिटायरमेंट के बाद जो रिटायरमेंट सेविंग स्कीम्स के तहत जो रकम दी जाती है ना आफ्टर द रिटायरमेंट, कहते इस तरह की कोई भी रकम जो है वो अगर प्रोविडेंट फंड्स एक्ट 1925 के तहत बता दी गई है, क्लियर कर दी गई हो, तो इस तरह की जो रकम है वो भी अटैच नहीं की जा सकेगी। अच्छा, यहाँ पे कंपल्सरी डिपॉजिट्स, इनकम टैक्स वगैरह या फिर प्रॉपर्टी टैक्स, ये उस प्रॉपर्टी के ऊपर माफ है या फिर उस रकम पे माफ है जो फंड में दी गई हो, यानी किसी भी शख्स को अगर उसके अखराजात के लिए किसी फंड वगैरह से रकम मिलती है तो उस फंड के ऊपर उसको टैक्स नहीं लगेगा। एक वक्त में एक ही डिग्री की एग्जीक्यूशन होगी, एक वक्त में एक ही डिग्री जो है उसको पे से किया जाएगा। पे अटैचमेंट अगर होती है तो सिर्फ एक डिग्री में होगी, दूसरी अटैचमेंट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अगर 24 मंथ्स नहीं भी हुए हैं तब भी दूसरी डिग्री के लिए पे अटैच नहीं की जा सकेगी। अगर दूसरी डिग्री को अटैच करना है तो पहली के लिए, अब यहाँ पे 24 मंथ्स की बात की गई है, तो फिर दूसरी अटैचमेंट के लिए 12 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर पहले से उसकी पे अटैच है तो फिर दूसरी डिग्री में उसकी पे अटैच नहीं की जा सकेगी। ये तो फिर वो अटैचमेंट में ही उसकी सारी की सारी पे खत्म हो जाएगी, फिर वो खाने पीने के लिए तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए एक वक्त में एक डिग्री और 24 मंथ्स का टाइम है उसमें, उसके बाद जो डिग्री जिसमें अटैचमेंट हुई थी और 24 मंथ्स का टाइम गुजर चुका है ना, उसी डिग्री में, सेम डिग्री में मजीद अटैचमेंट नहीं की जा सकेगी। एक ही अटैचमेंट 24 महीनों के लिए काफी है, 24 महीने खत्म, उसके बाद उसी डिग्री में अटैचमेंट नहीं होगी,
अलबत्ता अगर उसके खिलाफ कोई और डिग्री पास हुई है तो फिर उसके लिए भी कम अज कम 12 महीने का इंतजार किया जाएगा। 12 महीने के बाद दूसरी डिग्री की अटैचमेंट होगी, वरना नहीं होगी। जी प्रोविडेंट फंड जो है ये तो वो हो गया ना जो हर सरकारी मुलाजम को मिलता है रिटायरमेंट के बाद। जहां तक बात हो रही है ना कंपल्सरी डिपॉजिट्स, ये इनकम टैक्स से रिलेटेड, लेकिन ये वो रकम होगी जो के फंड से किसी को दी जा रही होगी। ये सम्स इन ऑल डिराइव्ड फ्रॉम एनी फंड टू विच द प्रोविडेंट फंड्स एक्ट 1925 फॉर द टाइम बीइंग अप्लाइज। पेंशन या रिटायरमेंट वगैरह की जो भी रकम मिलती है वो किसी भी सूरत में अटैच नहीं होती। और जहां तक टैक्सेस की बात की जा रही है तो टैक्सेस अगर किसी फंड से कोई खर्चा या किसी के अखराजात या वजायब वगैरह लगे हुए हैं तो उन फंड से मिलने वाले अखराजात या वजायब पर भी इनकम टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया जाएगा। जी हो गया क्लियर। उसके बाद चलते हैं एल पे, क्लास एल, एनी अलाउंस फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द एमोल्यूमेंट्स ऑफ एनी सर्वेंट ऑफ द स्टेट और ऑफ एनी सर्वेंट ऑफ अ रेलवे लोकल अथॉरिटी व्हिच द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ये अजान के बाद फिर हम दोबारा ज्वाइन करते हैं। अभी क्योंकि 7:09 हुए तो 7:15 की ब्रेक करते हैं, 7:30 तक वेट नहीं करेंगे।